इस घास की खासियत ये है कि एकदम ये बिल्कुल हाईवे पे है, और हाईवे के साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इसके सामने ही, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाए थे घाट यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों सर्वानंद घाट सामने है इसके, और ये स्वामी सत्यनारायण घाट है, और वो जो सामने आपको मंदिर, ये लाल मंदिर दिख रहा है दोस्तों, ये हमारी शिव की पैड़ी है। हर की पैड़ी तो सभी जानते हैं, लेकिन शिव की पैड़ी बहुत कम लोग जानते हैं। ये देखिए दोस्तों, और उसके आगे भी एक और मंदिर है वहाँ पर, और आपको मैं घाट दिखाता हूँ दोस्तों, कितना लंबा चौड़ा और भव्य घाट है एकदम। ये देखिए आप, और ये आप जो है यहाँ से पार आप निकल जाते हैं यहाँ से पुल के नीचे से। मैं भी पहले कहीं कभी नहीं आया, पहली बार ही आया इधर। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ से जो है पुल की, ये हाईवे जो पुल है जो पड़ गया हुआ, ये देहरादून के लिए गया हुआ पुल, और ये गंगा जी, अपना जो गंगा जी नील धारा सामने आप देख रहे हैं, जैसे कि वो ये सामने आप देख पा रहे हैं पीछे की तरफ से, तो नील धारा से जो गंगा जी का जो एक धारा है इधर की तरफ छोड़ दी गई है, और जो कि ये सीधे जाके हमारी है हर की पैड़ी में मिलती है। ये देखिए आप दोस्तों, और बहुत ही सुंदर और भव्य घाट है एकदम, एकदम चौड़ा घाट है। अभी तो गंगा जी का जलस्तर नीचे है यहाँ पर, लेकिन आप सामने देख सकते हैं ऐसे हर जो शिव की पौड़ी और ये स्वामीनारायण मंदिर है, स्वामीनारायण घाट है, और स्वामी सर्वानंद घाट है। यहाँ पर आकर आराम से देखिए आप किस तरह से जो है श्रद्धालु जन यहाँ पर स्नान करते हैं। और ये घाट दोस्तों इतना सेफ है कि हमने भी कई बार यहाँ पर स्नान किया है, तो हम लोग अंदर जो कि स्वामीनारायण सर्वानंद घाट में काफ़ी अंदर तक गंगा जी में आए थे, लेकिन उस टाइम जो गंगा जी का प्रवाह, यहाँ पर बहुत स्लो प्रवाह रहता है क्योंकि चौड़ाई ज़्यादा है और गंगा जी में जल बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर अपने बच्चों को भी, आप बड़े बच्चे ही बड़े आनंद से यहाँ पर जो है स्नान कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य घाट। और हाईवे के नज़दीक होने के कारण आप गाड़ी वगैरह आराम से यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो मेरी कोशिश रहती है दोस्तों कि मैं आपको जो हर जो गंगा जी के जो घाट है मैक्सिमम घाट आपको दिखा सकूँ। तो दोस्तों ये जो घाट है, ये हरिद्वार से देहरादून जाने वाले रोड पर है, हाईवे पर है, और हाईवे पर होने के कारण ही आप इसमें हाईवे को छोड़ के अगर आप नीचे उतर जाएंगे, तो उतरने के बाद आपको दिखेगा कि आप जो है आराम से यहाँ पार्किंग गाड़ी की कर सकते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर आराम से पार्क करके, और जो है अपना स्नान कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, प्रेम प्रकाश घाट है, जो यहाँ से अगर आप स्वामी सर्वानंद घाट और सत्यनारायण घाट है, सर्वानंद घाट और सरस्वती की पैड़ी जाना चाहें, तो आप देखिए सामने पुल है, आप वहाँ से आकर यहाँ पुल पर चढ़कर, क्योंकि बहुत पहले कभी रेल की ट्रैक हुआ करता था, यहाँ से आप आराम से पार जा सकते हैं, और सामने जाकर आप देख सकते किस तरह से आप जो है पुल के नीचे से सामने घाट पर जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पुल के इस तरफ भी आप देख सकते हैं, पुल है, पुल के आप इस तरफ भी देख सकते हैं, कितना सुंदर भव्य घाट है। और हाईवे पर होने के कारण, चाहे आप हाईवे में देहरादून से आ रहे हैं या देहरादून की तरफ जा रहे हैं।